भयानक युद्ध होने वाला है। अरब की धरती पर शोले बरसने वाले हैं। ईरान इसराइल में आर पार की जंग होने वाली है। ईरान और इसराइल दोनों की जंगी तैयारी पूरी है। ईरान के हमले के एक महीने बाद इसराइल ने अब तक उस पर पलटवार नहीं किया। जंग दुश्मनों को करारा जवाब देने वाला इसराइल अभी तक चुप बैठा है। यानी इस युद्ध में इसराइल दे रहा है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सबसे पहले अमेरिका से लीक हुए इसराइल के खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक हमले की तारीख 15 और 16 अक्टूबर थी। उसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जन्मदिन यानी 21 अक्टूबर को ईरान पर हमले का प्लान तय हुआ। सबको इंतजार था कि ईरान पर बड़ा प्रहार होने वाला है, लेकिन उस वक्त हमले नहीं हुए। और अब ईरान पर हमले की नई तारीख तय हो गई। ईरान में तबाही के ठिकाने तय हो गए। बारूदी बारिश के लिए तैयार हुआ इसराइल। इसराइल पर हमले करना ईरान को बहुत भारी पड़ने वाला है। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश करना ईरान के लिए बहुत बड़ी गलती होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल ने ईरान पर हमले की तारीख तय कर दी। 5 नवंबर ये वही तारीख है जिस पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हैं। दरअसल 5 नवंबर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और अमेरिका के रक्षा अधिकारियों को उम्मीद है कि 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले इसराइल की सेना ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकती है। दरअसल इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने हमला किया था। उस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए। इसी के बाद इसराइल ने युद्ध का ऐलान किया जिसका अंजाम ये रहा कि गाजा में चारों तरफ तबाही दिखने लगी। इस हमले में अब तक 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। 97,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। यही नहीं, हमास के समर्थन में आए हिजबुल्ला से भी इसराइल ने जंग छेड़ दी। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करने में जुट गया। उधर हिजबुल्ला भी इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर करारा जवाब दे रहा है। लेकिन इसराइल के सभी दुश्मनों का पावर सेंटर तेहरान बना हुआ है और ईरान भी 2 बार इसराइल पर डायरेक्ट अटैक कर चुका है, लेकिन इन हमलों के बाद अभी तक इसराइल ने पलटवार नहीं किया। इसी बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमले में इसराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन अब नेतन्याहू ने तय कर लिया कि वे इसराइल पर ईरान के हमले का करारा जवाब देंगे और पलटवार वाला ये हमला 5 नवंबर के पहले हो सकता है क्योंकि समय कम है। इसीलिए इसराइल के सैन्य अधिकारियों ने ईरान को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि इसराइल ने ईरान में तबाही के ठिकाने भी चुन लिए। इसके लिए इसराइल का खतरनाक फाइटर जेट F-35 तबाही मचाने के लिए तैयार हो गया है। इसराइल के पास F-35 तबाही की ऐसी मशीन है जिसे अगर नेतन्याहू ने लॉन्च किया तो इसके ठिकानों पर ईरान के परमाणु ठिकाने और तेल ठिकाने रहेंगे। इसके साथ तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, कुम, बुशहर जैसे कई शहरों में अलर्ट जारी हो गया। लेकिन ईरान के इन शहरों में
ना तो कोई बम गिरने वाला सायरन बज रहा है, ना ही कोई अफरा तफरी मची, क्योंकि असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर पर मंडराता दिख रहा है, क्योंकि इजराइल का हमला ईरान की कमर तोड़ने वाला होगा। उधर इसराइल की एक एक हरकत पर ईरान की नजर है। ऊपर से अमेरिका ने भी ईरान के गुस्से के तापमान को बढ़ा दिया। ऐसे में अगर ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा, और जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि ये जंग ईरान बनाम इसराइल न होकर अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान।